कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्षेत्रीय लोगों की सूचना के बाद काटी गई बिजली आपूर्ति। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा का यह पूरा मामला है। कानपुर से बड़ी खबर बता दें, ट्रांसफार्मर में अचानक आग से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर के बगल में बने मकान किए गए खाली। क्षेत्रीय लोगों की सूचना के बाद काटी गई बिजली आपूर्ति। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई और ट्रांसफार्मर के बगल में जो मकान बने हैं उनको खाली करवा दिया गया है। भीषण आग लगी है ट्रांसफार्मर में। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरों में आप देखिए कितनी भीषण आग है। ये ट्रांसफार्मर के बगल में जो मकान बने हैं उनको भी खाली करवा दिया गया है। आग की लपटें देखिए आप, कितनी भीषण, कितनी तेज ये आग लगी है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अगल बगल जो मकान बने गए उनको खाली करवा दिया गया, क्योंकि आग इतनी तेज है कि वो अगल बगल के मकानों को अपनी चपेट में भी ले सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आग का ये विकराल रूप। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। ट्रांसफार्मर के बगल में बने मकान को खाली भी करवा दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों की सूचना के बाद बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है, क्या कुछ अपडेट है, आपसे जानना चाहूंगी। आपको बता दें, बाबूपुरवा बेगमपुरवा का ये पूरा मामला है। यहाँ पे आई थिंक ट्रांसफार्मर लगाता है, इसमें तार सर्किट हुआ करते, जिसकी क्षेत्रीय लोगों ने कई बार क्षेत्रीय कृषकों को सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद भी कृषकों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और आज ये पास आग लगा है, आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर पूरा आग धू धू कर चल रहा है। और अगल बगल जो कारखाने थे वो क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर सब खाली करवा दिए, मकान खाली हो गए क्योंकि आग बहुत थी। क्षेत्रीय लोगों सूचना पे कृषकों को फोन किया गया, कृषकों ने जो बिजली थी वो काट दी, फायर ब्रिगेड मौके पे आ गई, आग पे काबू पाया जा रहा है। जी मधुर, लगातार शिकायत की जा रही थी, उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, बात मैंने जिसमें किसको भी लगवाए सामने आ रही, क्षेत्रीय लोगों ने एक बार नहीं कई महीनों से सूचना दी जा रही थी कि यहाँ पे आया दिन बरसात में आंधी में तार सर्किट हुए जिससे आग लग जाती है, लेकिन आज आग का एक भयानक रूप देख के वाकई क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया था और जितने भी अगल बगल मकान थे कारखाने सब खाली करवा दिए गए थे, कहने के किसको की एक बड़ी लापरवाही सामने आ जाइए। जी जी मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, लगातार क्षेत्रीय लोगों की तरफ से शिकायत भी की जा रही थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आग लगने से हड़कंप मच गया, आपको बता दें आसपास जो मकान बने हुए उनको खाली करवा दिया गया है और लगातार क्षेत्र के लोग इसको लेकर शिकायत भी कर रहे थे बिजली विभाग से, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई और आज ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको